47 साल की एज में भी अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली मशहूर अदाकारा रवीना टंडन, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में ही हिट फिल्में देना शुरू कर दिया था, फिर चाहे बात हो दिलवाले फिल्म की या फिर मोहरा जैसी सुपरहिट फिल्म की, तभी तो रवीना टंडन अपने दौर की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं, जिन्होंने आज अपने दम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रवीना टंडन की लग्जूरियस लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि वो आज कैसे एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं, जिनकी हर चीज में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल के बारे में। खिलाड़ियों का खिलाड़ी और जिद्दी जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री रवीना टंडन, जिन्होंने इस तरह की ढेर सारी सुपरहिट फिल्में देकर खुद को हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बना दिया था। हालांकि कुछ सालों से रवीना टंडन फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन आज भी ये एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं, जहां वो आज भी फिल्मों में काम करने के करीब 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करती हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि आज ये अपने दम पर करीब 300 करोड़ रुपए की इकलौती मालकिन बन चुकी हैं, और इसी नेटवर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पर खर्च किया है। रवीना टंडन का मुंबई के बांद्रा में अपना एक करीब 150 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला है, जिसकी लाइटिंग, फ्लोरिंग और कलरिंग काफी लाजवाब है। इसके अलावा इनका हॉल हिस्टोरिकल पेंटिंग्स और आर्ट से सजा हुआ है। साथ ही इस आलीशान बंगले के बाहर बड़ा सा गार्डन और स्विमिंग पूल भी है, जो इस बंगले की खूबसूरती पर चार चांद लगाता हुआ नजर आता है। इस घर के साथ ही ये अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, जिसे और भी ज्यादा लग्जूरियस बनाता है इनका कार कलेक्शन, जिनमें आपको जैगुआर XJ, मर्सिडीज बेंज GLS 350D और ऑडी Q7 जैसी महंगी गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आपको रवीना टंडन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप उस फिल्म का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।